किसान आंदोलन के समर्थन और केंद्र सरकार की गलत नीतियों और काला कानून के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद। उक्त बात सीपीआई के राज्य सचिव सदस्य और झारखंड आंदोलनकारी कामरेड इफ्तिखार महमूद ने भारत बंद अभूतपूर्व बंद बताया। इधर गोमिया में पंकज पांडे की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता अभय सिन्हा, सुमनजाय सिन्हा, रामकिशन रविदास बंद समर्थक के साथ मोटरसाइकिल जुलूस निकाले। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बंद कराते दिखे। वहीं भाकपा माले के सुरेश यादव, सीपीएम के रामचंद्र ठाकुर, श्याम सुंदर महतो, राकेश कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मोहम्मद मुमताज, लुद्दू मांझी, शंभू यादव, राजा दरुण यादव आदि ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति और अन्य जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए साडम, होसिर, गोमिया, हजारी, स्वांग हाजरी मोड़, IEL आदि स्थानों पर दुकानों को बंद करवाया। काला कृषि कानून वापस लेना होगा। लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलेगी। काला कृषि कानून वापस लेना होगा। लाभकारी मूल्य का कानून बनाना होगा। उपज का लाभकारी मूल्य का कानून बनाना होगा। उपज का लाभकारी मूल्य का कानून बनाना होगा। साथियों, आज जो किसान संगठनों के द्वारा जो भारत बंद का आयोजन किया गया, आज 27 तारीख को संपूर्ण बोकारो जिला में स्वतः बंद है। यहाँ के खुदरा व्यापारी, छोटे व्यापारी, वाहन चालक, वाहन मालिक, तमाम लोग ने जो समर्थन दिया है इस भारत बंद का, वो अपूर्णीय, वो अद्वितीय है, बेमिसाल है। ऐसा भारत बंद बोकारो जिला से झारखंड में कभी देखने को नहीं मिला है। स्वतः दुकानदार लोग, स्वतः वाहन मालिक और चालक लोग ने भारत बंद किया। अभी सरकार को चाहिए कि तुरंत आज ही ये तीनों कृषि कानून जो काला है, किसान विरोधी है, देश की भुखमरी में खड़ा कर देने वाला है, इसको वापस लेने की घोषणा कर देना चाहिए। आप तमाम, और इसके साथ ही आप तमाम साथी जो भारत बंद को सफल बनाने में लगातार मेहनत करते रहे, जनता को इसके कानून के अवगुणों की जानकारी देते रहे, इस देश विरोधी, जन विरोधी और आम किसान और मजदूर विरोधी कानून की जानकारी दिए, और इसके लिए आप तमाम साथियों को धन्यवाद, और तमाम व्यापारी, तमाम वाहन चालक, मालिक चालक और इलाका वासियों को इस सफल भारत बंद के लिए धन्यवाद देते हैं हम।